छोट छोट बनाओ तो बढ़िया से बनाओ। कैठी बनाए बनाए कैठी बनाए हो दो छे कितना बड़ देखी तो बना कर देखी हां बन्नी बनाए भाई बहुत मस्त है नहीं बेटा चीखा पहले का हो भाई बाजरा हो जाना तो का आई के देखे कैसे बनाए हो नौ नौ थी दस वाला डू बनाओ तो मान देखा तब बन गया तो छोटे छोटे बनाओ थे बड़ा बड़ा बनाओ थे ये देखिए कितना सारा बनाया हुआ है छोटे छोटे कितना अच्छा दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों मछली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो आज हम बनाएंगे देख सकते हैं क्या लिए हैं यहाँ पे देखिए बाजरा है बहुत ही खाने में काफ़ी ये अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी के मौसम में इसकी जो रेसिपी बनाई जाती है बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही फायदेमंद होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल पाया जाता है। आज हम इसी की रेसिपी बनाएंगे। पहले हम इसे सूप के सारे से पछोर कर साफ कर लेती हूँ इस तरह से ये साफ़ हो जाएगा। तो इसमें देखिए खोखे निकल रहे हैं छोटे छोटे हैं इसे देखिए छिलके हैं जो बाजरा जो ख़राब है वो भी निकल जाएगा। ऐसे ही हम इसे पछोर कर साफ कर लेती हूँ। पहले बाजरे को हमने देखिए पछोर कर साफ कर लिया है तो बाजरा हमारा एकदम साफ़ हो चुका है देख सकते हैं आप लोग कितना साफ़ हुआ है। देखिए इसमें कितने ये खूहे निकले जो ख़राब बाजरा है इसे देखिए अच्छे से निकल चुके हैं ये साफ हो चुका है। हम इसे गांव में लेके जाएंगे दोस्तों वहां पर जो हमारे गांव में भरसाई बारते हैं दाना भूजने वाली होती है हम उसी से ये बाजरे को कहलाएँगे एक अच्छे से कहलेंगे तो ये इसकी रेसिपी जो बनेगी बहुत यहाँ पर देखिए बाजरे को हम कहला कर लेकर आ गए हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बाजरा एकदम से कहला हुआ है ऐसे में देखिए लावा भी फूटे हुए हैं और ये जो लावा फूटा हुआ है इसे हम और निकाल लेते हैं। यहाँ सूप लिए हुए हैं हम तो यहाँ पे देखिए जो लावा फूटा हुआ था बजरे का इसे हमने निकाल दिया है ज़्यादा फूटा हुआ था। अब इसे यहाँ पर खलबट्टा लिए हैं इसी में हम डाल कर इसे मूसल से हम इसे अच्छे से कूटेंगे छांट लेंगे तो इसमें बालू लगा होगा वो भी निकल जाएगा और जिसमें भूसी उसी बकाया होगा वो भी निकल कर साफ़ हो जाएगा। तो पहले इस तरह से हलोर को खलबट्टे में डाल लेती हूँ। तो बाजरे को हमने ऐसे अच्छे से हलोर लिया है जो लावा फूटा हुआ था ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बाजरा साफ़ हो गया। अब इसे हम दो बार में खलबट्टे में डाल के छाँटेंगे तो इस तरह से इस साइड वाले से हम छाँटेंगे ऐसे ही धीरे धीरे आराम से छांट लेते हैं। तो हम इसी तरह से हल्के हाथों से धीरे धीरे कूटूंगी तो ये आराम से छटाई जाएगा एकदम मजरा हमारा साफ़ हो जाएगा। तो देखिए साफ़ हो रहा है ये ऐसे ही धीरे धीरे मूसल के सहारे से हम इसकी छटाई कर लेती हूँ तो बाजरा हमारा एकदम साफ़ हो जाएगा जो भी इसमें बालू लगा होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और जो इसमें रह गए हैं खूहे लगे होते हैं वो भी निकल जाएंगे आराम से। तो धीरे धीरे इस तरह से घुट लेती हूँ। तो बाजरे को हमने छाट लिया है देख सकते हैं आप लोग सूप सारे समय से पत्थर का साफ करूँगी देखिए कितना सारा निकल रहा है इसका जो छिलका है देखिए कितना सारा निकल रहा है। इसी तरह से पत्थर को साफ कर लेती हूँ और इससे जो बालू होगा वो भी निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने एक बार में अच्छे से पत्थर का साफ कर लिया है कितना अच्छा देखिए हमारा बाजरा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पूर्वज जो लोग रेसिपी बनाते हैं थे तो इसी तरह से आज हम भी बना रहे हूँ। आप चाहे घर पर ही इस तरह से भून कर बना सकते हैं तो हमारे पूर्वज लोग जैसे बनाते थे आज उसे ही बनाऊंगी हम। इसे पछोर का साफ कर लिया इसे हम दलिया में रख देती हूँ इसी तरह से हम और भी पछोर का साफ कर लेती हूँ। तो बाजरे को हमने पछोर का साफ कर लिया है देखिए बाजरा हमारा कितना साफ़ हो चुका है इस तरह से इसे हम रख लेती हूँ। हम इसकी पिसाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पूर्वज लोग जात से पीसा करते थे यहाँ पे हमें जात नहीं गांव में जाना पड़ेगा तो हम यहाँ चकली में ही दो बार में पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं एक बार में इस तरह से देखिए किस तरह से इतना टुकड़े हो रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं एक बार में हम ऐसे ही पीसेंगे उसके बाद दोबारा पीसेंगे तो महीन हो जाएगा तो ऐसे ही पहले पीस लेते हैं। देख सकते हैं हमने एक बार में अच्छे से पीसा हुआ है देखिए इस तरह से दरबारा पीसा हुआ है अब इसे हम दोबारा पीसेंगे। तो दोस्तों आज हम इसका बनाएंगे लड्डू तो बाजरे का लड्डू जो होता है खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी होता था बहुत ही फायदेमंद होता है इस ठंडी के मौसम में और भी फायदेमंद होता है ये बाजरे का लड्डू आज हम वही बनाऊँगी। पहले से हम इस तरह से दोबारा पीस लेती हूँ चकरी में रख के तो हमने एक बार पीस लिया था दूसरी बार हम पीस रहे हैं देखिए इतना महीन पीस रहा है आज जितना मोटा महीन पीसना चाहे पीस सकते हैं और दरबरा पीस के बनाएंगे तो और भी अच्छा लगे खाने में। हम इस तरह से पहले पीस लेती हूँ बाजरे को हमने दो बार में पीस लिया है अब चलनी यहाँ पे लिए हैं चलनी से हम चाल कर निकाल लेती हैं तो जो मोटा वाला हो निकल जाएगा अच्छा इस तरह से जो महीन वाला हो नीचे झल जाएगा देख सकते हैं देखिए कितने अच्छे से पिसा हुआ है ये बजरी हमारा
और देखिए जो मोटा वाला है इसे हम निकाल कर रख देती हूँ, एक बार फिर पीस लेंगे। आपके पास मिक्सर जार हो और उसमें पीस सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे चकरी में ही पीस रही हूँ। तो इसी तरह से हम चलने के सारे से चाल कर निकाल लेते हैं। देखिए मोटा वाला कितने अच्छे से निकल रहा है और देखिए कितने अच्छे से हमारा बाजरी हमने पीसा हुआ। हमें इसी तरह से बाजरा चाहिए, इस तरह से पीसेंगे, हल्का सा दरबरा रहेगा तो इसका जो लड्डू बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन बनेगा, बहुत ही काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। ऐसे ही पहले चाल लेती हूँ मैं। तो देख सकते हैं हमने इतना सारा आटा निकाला हुआ है बाजरे को इस तरह से पीस कर, तो बहुत काफ़ी अच्छा से मारा आटा तैयार हुआ है एकदम से, ना महीन भी ज़्यादा है ना ही दरबरा ज़्यादा, दरबरा भी नहीं है, बस मीडियम साइज का देखिए ये है। तो अब इसी हम बनाएंगे लड्डू। चलिए चलते हैं चूल्हे के पास। चूल्हे के पास आ गए हूँ, चूल्हे में आग जला दिया, चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। इसमें डाल देते हैं रिफाइन का तेल, आप चाहे देसी घी भी डाल सकते हैं। लगभग हमने 2 चम्मच रिफाइन का तेल डाला हुआ है। इसमें हम बाजरे का आटा डालकर अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि ये भुना हुआ है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा भूनेंगे तो इसका जो टेस्ट और काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम धीमी आंच में इसे भून लेती हूँ। हम तो एक बार में हम नहीं भून रहे हैं, 2 बार में भूनेंगे। अभी एक बार में देखिए इतना सारा बचा हुआ है, 2 बार में हम धीरे धीरे भून लेती हूँ। धीमी आँच में देखिए कितने अच्छे से भुना हुआ है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा से चेंज हो चुका है। ज़्यादा नहीं भुनेंगे हम, बस हल्का ही भुनेंगे इस तरह से। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। इसे हम उतार देती हूँ। तो एक बार हमने भून लिया है, दूसरी बार भी इसे भून लेती हूँ। धीमी आँच में हम भूनेंगे। तो आटा हमारा भून चुका है, देख सकते हैं आप लोग कलर इसका भी चेंज हो चुका है। इसे भी हम उतार देती हूँ। कढ़ाई में डाल देते हैं पानी लगभग 1/2 गिलास। तो यहाँ पर हमने गुड़ लिया हुआ है, देखिए चहाका वाला ये गुड़ है, 5 किलो का था। इसमें देखिए और बन चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ, लगभग 1.5 किलो का लगभग एक गुड़ बचा हुआ है। तो इसी में हम 500 ग्राम गुड़ को डालेंगे, क्योंकि हमारा जो आटा है 1.5 किलो हमारा बाजरे का आटा है और इसमें हम 500 ग्राम गुड़ डालेंगे। इसे हम काट लेती हूँ। तो गुड़ को हम इस तरह से काट कर पानी में डाल देती हूँ इसे गलने के लिए। गुड़ को हमने डाल दिया है, गुड़ को हम इस तरह चलाते हुए गला लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं गुड़ हमारा काफ़ी गल चुका है, देखिए लगभग चाशनी तैयार हो चुकी है हमारी, तो उबाल आ चुका है, इसमें गाढ़ा भी हो चुका है। देख लेती हूँ हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, एक नई बांधने लायक लड्डू। अब हाथों में हम थोड़ा सा लेकर देख लेती हूँ, चाशनी हमारी एकदम से चिपचिपी हो चुकी है। ये देखिए तार भी हल्का हल्का बन रहा है इसमें। अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेती हूँ। तो बाजरे को हम देखिए छोटा बर्तन था, इसमें हम बड़े बर्तन में रख लिए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा नारियल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा किशमिश है, इसे बारीक काटे हुए हैं। आपने ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद का जितना ज़्यादा डालना चाहे डाल सकते हैं। और यहाँ पर तिल है, सफ़ेद वाला तिल है, इसे हमने भून के रखा हुआ था। तो इसे डालेंगे, इसे डालने से काफ़ी जो लड्डू बनेगा बहुत ही टेस्टी होता है, इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। इसे डाल देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ हमने काली मिर्च लिया है, इसे डाल देती हूँ। इन सबको डालकर अच्छे से पहले मिला लेती हूँ। तो हमने इन सबको अच्छे से मिला दिया, इसमें हम चाशनी को डाल देती हूँ। चाशनी को हमने डाल दिया था काजू सारे से, इसे हम अच्छे से मिला देती हूँ, क्योंकि भी चाशनी हमारी गर्म है, इससे पहले कंछुल से मिलाएंगे। देख सकते हैं हमने कंछुल को सारे से अच्छे से मिला दिया है। देखिए चाशनी और बाजरे काटे में अच्छे से मिल चुका है, ये काफ़ी अच्छा से मिला हुआ है। हमें हम हाथ थोड़ा हाथ धोकर साफ कर लिए हैं, इसमें थोड़ा सा हाथों में रिफाइन तेल लगा लिए हैं, चाहे घी भी लगा सकते हैं ताकि हाथों में चिपके ना और लड्डू बनाने में आसानी होकर। देखिए अभी हल्का हल्का गर्म है अभी, इसे हम हाथों में से लेकर इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ। तो मसल मसल कर हम इसे लड्डू बनाएंगे। आप छोटा बड़ा जितना चाहे बना सकते हैं। तो मैं किस तरह से मसल के इस तरह से बना लेती हूँ। हम इतना बड़ा बना रहे हैं इस तरह से, देखिए बहुत ही आसानी से ये बन रहा है। तो क्योंकि चाशनी हमारी एकदम से अच्छे से बनी हुई थी, एकदम परफेक्ट बनी हुई थी चाशनी हमारी, लड्डू बनाने में भी काफ़ी आसानी हो रहा है। देखिए कितना अच्छा से हमारा लड्डू बना हुआ है, बाजरे का लड्डू खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। इस तरह से हमने एक बना, इस तरह से दूसरा बना देती हूँ। इसी तरह से हमने देखिए दूसरा भी बना लिया है। इस तरह से इसी तरह से हम सभी लड्डू को पहले बना लेती हूँ। क्या आई है बनाने के लिए, हमारा हेल्प कर रही है, छोटे छोटे लड्डू बना रही है। अभी हम दिखाते हैं कितना वेदिका बनाई हुई है।
हमने पास में रखी है, तो बहुत अच्छा अच्छा बना रही है दोस्तों वेदिका हमारी। देखिए हमने सारे लड्डू बना लिए, देखिए एक बचा हुआ है वेदिका, इसमें दो बना रही है, कह रही नहीं मैं बनाऊंगी। और ये देखिए छोटे छोटे कितनी अच्छे से बनाए हुए है, एकदम मोगल की तरह, इस तरह से मोगल होता है छोटे छोटे, इस तरह से इसने बनाया हुआ है। काफ़ी टेस्टी बना हुआ है दोस्तों ये बाजरे का लड्डू, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ठंड में खाएंगे तो और भी फायदेमंद होता है इस बाजरे का लड्डू। आप इसे आप रोज़ एक खाइएगा, बहुत ही सेहतमंद होता है बाजरे का लड्डू, इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा बाजरे का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है, कितना अच्छा से बाजरे का लड्डू हमने बनाया हुआ था। हमारे पूर्वज लोग इसी तरह से बनाकर खाया करते थे, थोड़ा हमने दरबारा पीसा हुआ है और भी महीन भी कर सकते हैं, आप जितना मोटा महीन करना चाहे करके बना कर सकते हैं इस तरह से। तो ठंड के मौसम में इस तरह से लड्डू बनाकर खाएंगे काफ़ी अच्छा लगेगा और सेहतमंद भी होता है दोस्तों। ये जो है शुगर के मरीज़ के लिए इसका ये रामबाण इलाज होता है बाजरा। बाजरे की रेसिपी जो भी बनाई जाती है, रोटी भी, रोटी इसका भात बनाया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है, तो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाकर खाइएगा इस बाजरे का लड्डू, काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत फ़ायदेमंद भी होगा दोस्तों। आज हम बनाए थे बाजरे का लड्डू। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।